क्या आपको पता है, वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में सदियों से जमे बर्फ के मैदानों परमाफ्रॉस्ट में 46,000 साल पहले जमे हुए एक राउंडवॉर्म को पुनर्जीवित किया है। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि यह कृमि विशालकाय मैमथ, एल्क और बड़े दांतों वाले बाघों के साथ सहअस्तित्व में था। यह सतह से 40 फीट नीचे क्रिप्टोबायोसिस अवस्था में पाया गया है। क्रिप्टोबायोसिस विपरीत परिस्थिति में जीवित रहने का एक तरीका है, जिसमें जीवित जीव का मेटाबॉलिज्म इतने न्यूनतम स्तर तक कम हो जाता है कि इसका पता लगाना संभव नहीं होता है। क्रिप्टोबायोसिस अवस्था में एक जीव को ऑक्सीजन या पानी की आवश्यकता नहीं होती है और यह अत्यधिक ठंड या उच्च तापमान का सामना कर सकता है। इसे एक बड़ी खोज बताते हुए ड्रेसडेन में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर कुर्जालिया ने कहा कि इसी तरह की परिस्थितियों में पहले की खोजें कुछ दशकों से क्रिप्टोबायोसिस अवस्था में पड़े जीवों की थी। यह पहली बार है कि कोई खोज हजारों वर्षों से सुप्त जीव की हुई है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इन राउंडवॉर्म का अध्ययन करके लोग सीख सकते हैं कि जीवन को कैसे संरक्षित किया जाए या कम से कम विषम परिस्थितियों में उनकी रक्षा कैसे की जाए। विज्ञान की दुनिया अजब है और हर बार कुछ नई जानकारी हमको मिलती है।